वेलकम टू फैमिली कुकिंग कॉर्नर। दिवाली के त्यौहार चल रहे हैं तो इस त्यौहार में पाई दूध स्पेशल आज हम आपको एक रेसिपी सिखाने वाले हैं। आप अपने पाई के लिए बहुत ही टेस्टी और आसान गुजराती फरसान बना सकते हैं और वो इंस्टेंटली बन जाता है। वो है सैंडविच ढोकला, जो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। देखिए बाजार जैसा सॉफ्ट ढोकला बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए हम 2 कप सूजी लेंगे। हमने ये 1 कप लिया है, ऐसा ही दूसरा 1 कप सूजी और लेंगे। देखिए हमने टोटल 2 कप सूजी ली है। अब इसमें हम 1 कप थोड़ा खट्टा दही लेंगे, ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। दही को हम सूजी के अंदर डाल देंगे। अब इन दोनों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा बैटर बना देंगे। सारा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। देखिए इतना गाढ़ा बैटर हमें बनाना है। इसके लिए हमें 1 कप पानी की ज़रूरत पड़ी है। अब बैटर को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम एक चटनी बनाएंगे, जिसके लिए हमने 1 कप फ्रेश धनिया लिया है। धनिया को हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हम इसमें 3 से 4 फ्रेश हरी मिर्च डालेंगे। मिर्ची डालने के बाद हम इसमें 1/2 लेमन डालेंगे। नींबू डालने से चटनी का टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें 2 से 3 आइस क्यूब डालेंगे। इससे चटनी का कलर बहुत ही अच्छा रहता है और ज़्यादा देर तक हरा रहता है। देखिए हमारी चटनी तैयार हो गई है। इसे हम साइड पर रख देंगे। अब बैटर को हम फिर से थोड़ा चला लेंगे। बैटर थोड़ा और गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी और डालेंगे। फिर से हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हमें बैटर के 3 हिस्से करने हैं, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम 1 + 1/4 कप बैटर निकाल देंगे। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। उसी तरीके से हम दूसरे बाउल में भी 1 + 1/4 कप बैटर निकाल देंगे। अब तीसरे हिस्से में हम 1/2 कप बैटर निकालेंगे। इसमें हमने जो ग्रीन चटनी तैयार की है उसमें हम पहले 3 टेबलस्पून चटनी डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप इसमें ज़्यादा चटनी भी डाल सकते हैं। हम इसमें 2 टेबलस्पून चटनी और डालेंगे। अब फिर से हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इस बैटर को साइड पर रख देंगे। अब हमने जो प्लेन बैटर रखा है उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसके ऊपर 1/2 टीस्पून ऑयल डालेंगे।
ऑयल डालने के बाद हम इसके ऊपर हाफ टी स्पून पानी डालेंगे। इससे सोडा बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। अब हम इस बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम ऐसा बड़ा वाला गहरा टिन लेंगे जिसे हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब हमने जो बैटर तैयार किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। सैंडविच टोकने के लिए हम जो नॉर्मल थाली लेते हैं वो नहीं लेनी है, ऐसा गहरा टिन ही लेना है। अब हमने एक पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसमें यह टिन रख देंगे। इसे ढककर हम मीडियम गैस पर 5 मिनट तक पकने देंगे। अब हमने जो ग्रीन चटनी वाला बैटर तैयार किया है उसमें थोड़ा नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे जिसे भी हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। ये बैटर भी तैयार हो गया है। 5 मिनट के बाद हम पैन का ढक्कन खोल लेंगे और इसके ऊपर हम ये जो चटनी वाला बैटर है वो डाल देंगे। अब इसे चारों ओर अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब इसे भी ढककर हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब लास्ट वाला बैटर है उसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब इसमें भी हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसके ऊपर 1/2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम 1/2 टीस्पून पानी डालेंगे। अब इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हमारा लास्ट वाला बैटर भी तैयार हो गया है। अब पैन का ढक्कन खोलकर हम ये लास्ट वाला बैटर इसके ऊपर डाल देंगे। इसे भी हम चारों ओर अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब इसे ढककर हम मीडियम गैस पर 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। देखिए, हमारे ढोकले अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकालकर थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसे चारों ओर से इस तरीके से कट कर देंगे ताकि ढोकला अच्छी तरीके से बाहर निकल जाए। अब इसके ऊपर हम एक प्लेट रख देंगे और इसे उल्टा कर ढोकला निकाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लेयर तैयार हुआ है। अब हम ढोकले को अपने मनपसंद शेप में कट कर देंगे। हमने ढोकले कट कर एक प्लेट में निकाल दिए हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे। राई फूट जाए इसके बाद हम इसके अंदर 4 से 5 करी लीव्स डालेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। अब इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इस तड़के को हम सारे ढोकलों पर अच्छी तरीके से फैला देंगे।
देखिए कितने सॉफ्ट ढोकले तैयार हुए हैं। तो तैयार है फायदो स्पेशल रेसिपी सैंडविच ढोकला। अपने भाई को ये रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही नई नई रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।